जय माँ भगवती, आप सभी को राधे कृष्ण। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म, आज हमारे युगल सरकार हमारे घर में पधार चुके हैं और आपके सामने दिख ही रहा होगा, हम जो भी उस पैकेजिंग है उसका वो खोल रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में आए थे हमारे युगल सरकार जी, और इस उनका पैकेजिंग अच्छा होता है, इसी वजह से इतना जो है सो अच्छे से बिक रहा। जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो श्रद्धालु उनके पास अच्छे से पहुंच जाते हैं, उनका भाव होता है। तो मुझे बहुत ही डर लगता रहता है जब से ऑर्डर करते हैं ना, तभी से कि कैसे आएंगे कैसे आएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से आए हमारे प्रभु और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सुंदर है हमारे युगल सरकार जी। इससे पहले जो हमारा युगल सरकार है बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उनका नैन नक्श उतना अच्छे से नहीं बनाया गया था, और लेकिन ये वाले युगल सरकार बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप लोग देखिएगा तो कहिएगा। और ये 18 इंच में है, इनका वजन जो है सो 14 से 15 केजी होगा, ये दोनों का मिला करके, और वो सारा वजन मिला करके 17 से 18 केजी बताया था जो शॉप वाले जो कुरियर वाले जो भैया थे उन्होंने, 17 से 18 केजी बताया था उस टाइम, सारा पैकिंग वैकिंग सब मिला करके इतना वजन था इनका। तो बहुत ही ज़्यादा विग्रह का वजन है, वजन इसलिए है क्योंकि विग्रह जो है सो एकदम भरा हुआ है, उसमें कहीं भी खोखला नहीं है। और खोखला जो विग्रह होता है उनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है पूजन करने का, खोखला विग्रह का पूजन नहीं किया जाता है। जो भारी विग्रह और सुंदर नयन नक्श हाथ जिनका अच्छे से दिखे, जिनका मुखमंडल देख करके आप प्रसन्न हो जाएं, वैसा विग्रह का हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे अंगूठा से ऊपर का विग्रह नहीं होना चाहिए, छोटा विग्रह नहीं होना चाहिए, बड़ा विग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने बड़े विग्रह का सेवा कर सकते हैं उतने बड़े रख सकते हैं। यहाँ पे मेन है कि विग्रह छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब ये बनता है कि आप उसका सेवा कर पा रहे हो या नहीं। छोटा विग्रह में भी दोष लगता है, अगर छोटा विग्रह आप घर में रखे हो और अगर उसका पूजा पाठ नहीं कर रहे हो तो उसमें भी आपको दोष लगेगा ही। तो इसलिए जो भी विग्रह रखे, छोटा रखे बड़ा रखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेन है कि उनका पूजा प्रॉपर होना चाहिए। बड़ा विग्रह है तो उनको वस्त्र धारण करवाना पड़ेगा, छोटे विग्रह में जो है सो वस्त्र धारण नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर वस्त्र बना होता है, लेकिन फिर भी वस्त्र पहनाना चाहिए। जो भी प्रभु हैं हमारे घर में स्थापित उनको वस्त्र पहनाना चाहिए, अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। आप ही बताएं, जिस विग्रह का नयन नक्श ही अच्छे से नहीं देखेगा फिर पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रभु का छवि कैसा है, हम लोग अपने मन में छवि बनाएंगे कैसे। ये हमारे जो हिंदू धर्म है और हमारा हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें विग्रह का पूजन करने का महत्व इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान जो है सो उनके तरफ खींचा रहे और एक जो है सो हमारा साधना करने का केंद्र बना रहे, क्योंकि हमारा जो मन जो है सो काफ़ी चंचल होता है। तो इसीलिए बाकी विग्रह का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूजा पाठ आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान लगाने के लिए विग्रह जरूरी होता है घर में और स्थापित किया जाता है। तो जैसा छवि आप बनाते हो ऐसा छवि बनता है प्रभु का। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी राधा रानी है, बाहर निकल चुकी हैं। तो 18 इंच के हैं हमारे जो विग्रह हैं, श्री विग्रह बोले जाते हैं, तो 18 इंच के हैं। और ये राधा कृष्ण सिंघाड़ वृंदावन में इनका शॉप है, उनके यहाँ से आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा टाइम लेकर के मुझे ये विग्रह बनवा करके प्रोवाइड किया है। और इनके साथ में मैंने हेयर ऑर्डर किया था तो हेयर भी आए हैं, हेयर भी बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए हम पास से दिखा रहे हैं, और इसका जो मुखमंडल है देखिए कितनी सुंदर है हमारी राधा रानी। और अब बारी है हमारे कन्हैया जी का, तो कन्हैया जी का जो पैकिंग किया हुआ है वो पैकिंग खोलेंगे, तब तक आपसे थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। तो ये विग्रह जो है तो वृंदावन से आए हैं, और इससे पहले भी उन्होंने एक विग्रह बना करके मेरे को पिक शेयर किया था, लेकिन उस टाइप का छवि हम अपने मन में नहीं बताए थे, इस वजह से हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमसे बात किया और बोला कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको फिर दूसरा विग्रह आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने ये वाला विग्रह उन्होंने प्रोवाइड किया। और वो पहले का भी विग्रह जो था काफ़ी सुंदर था, लेकिन उसमें जो है तो काफ़ी ज़्यादा रंगने का काम किया हुआ था, बहुत सारी पत्रावली बनी हुई थी और उन बंगाली टाइप का उनके सर पे जो है तो सिंघार किया हुआ था। और मुझे ज़्यादा पेंटिंग वाले विग्रह पसंद नहीं है, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जितना पेंटिंग का ज़रूरत है उतना ही हमने करवाया है।
क्योंकि होता क्या है, कभी कभी सिंगार करने के टाइम में विग्रह को सामने रखा जाता है, तो बगैर कपड़े का विग्रह ला नहीं सकते। इस वजह से हमने वस्त्र जो है तो पेंट से बनवा दिया है, ताकि सिंगार करें तो कोई दिक्कत ना हो। कभी अगर बगैर कपड़े का भी आ गए तो आप लोग के सामने सिंगार कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने पेंट करवा दिया। नहीं तो वहाँ पे भी हम पेंट नहीं करवाते, हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना कम पेंट हो। और ये देखिए तो प्रभु फूल रहे हैं, और काफ़ी लेयर बाई लेयर पैकिंग किया गया था, और अभी जो है तो इनका गिफ्ट चल रहा है। ये अगर आप शॉपिंग कीजिएगा तो एक सिल्वर का क्वाइन ये देते हैं, तो सिल्वर का क्वाइन भी मेरे को रिसीव हुआ है एक, और मेरे को हंसी भी आ रहा है क्योंकि सिल्वर क्वाइन जो था ना वो कतरन के पीछे छुप गया था, और मुझे लगा कि शायद आया ही नहीं, पूरे कतरन मेरे को घेरना पड़ा तब जाके मिला है वो। तो ये देखिए अभी कृष्ण जी हमारे कन्हैया जी निकलेंगे इसमें से, और बहुत ही सुंदर विग्रह उन्होंने दिया। और मेरा मन था कि काला विग्रह मंगवाएं, लेकिन फिर सोचे ना कि काला विग्रह जो है तो उनका केयर काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, इस वजह से हमने नहीं मंगवाया। और कभी अगर मन हुआ तो जो छोटे वाले युगल सरकार है उनको ही पेंट के थ्रू से काला करवा देंगे। तो अभी हमारे पास काले कलर के जो कान्हा जी एक भी नहीं है, और ये भी आए हैं जो है तो धातु में ही आए हैं, तो ये देखिए हाथ लग रहे थे राधा रानी को, इसलिए हमने उनको साइड कर दिया था। और बहुत ही सुंदर है, बार बार हम यही बोल रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होइएगा। और बहुत ही ज़्यादा हमने इंतज़ार किया है इनके लिए, और बहुत टाइम से सोच रहे थे कि अब मंगवाए अब मंगवाए अब मंगवाए, तब जा करके अब मंगवाए हैं इनको वहाँ से। और विग्रह कोई भी बनाए, लेकिन विग्रह जो बनता है वो विग्रह तो वो बनाते हैं, लेकिन भाव उसमें आपका प्रकट होता है। तो प्राण आप लोगों को विग्रह छोटा लग रहा होगा वीडियो में हो सकता है, लेकिन आप लोग को अच्छे से बाद में वीडियो शेयर करेंगे, देखिएगा कितना बड़ा विग्रह है। और अच्छे से जब सिंघाड़ इनका हो जाएगा तो और भी ये सुंदर लगेंगे, और बगैर सिंघाड़ के भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जन्माष्टमी के दिन इनका करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। और इनका जो भी ऑर्नामेंट्स है अभी हमने खरीदा नहीं है, कुछ कुछ लाया था कंगन वंगन, बट कंगन हम आप लोग को बोले थे कि बड़ा हो जाएगा और वैसा ही हुआ, कंगन जो है तो काफ़ी बड़ा है, तो मुझे फिर से चेंज करवाना पड़ेगा जा करके। और कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स और भी इनके जो सिंगार के सामग्री है वो लाने हैं, इनके वस्त्र जो है तो बनेंगे, तो वस्त्र इनके बने हुए हैं, लेकिन वो वाले वस्त्र हम ना पहना करके कोई और वस्त्र उससे भी बढ़िया सा बनाएंगे तिल का, फिर इनको पहनाएंगे, और खूब धूमधाम से इस बार जन्माष्टमी मनाएंगे हम। तो देखिए कितना बढ़िया से उन्होंने पैक करके भेजा था, मुझसे खुल भी नहीं रहा है ये पैकिंग। और वीडियो जो है तो शेयर कर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं था, लेकिन एक तरीके से ये मेरा याद है कि आज हमारे यहाँ पे हमारे युगल सरकार आए हैं, इसलिए हम ये वीडियो जो है तो YouTube पे शेयर करेंगे। तो लगभग ये वीडियो कंप्लीट होने वाले, और 4-4 मिनट का दोनों वीडियो था, दोनों को मैंने एक में जोड़ा है और फिर आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सभी को जय माँ भगवती राधे कृष्ण, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप लोग अच्छे से रहिए और अच्छे से हमारा वीडियो देखिएगा आप लोग। जय माँ भगवती आप सभी को राधे कृष्ण।